वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बलवंत भाई जगजीवन भाई खुराशिया। बलवंत भाई, आज जो मांझावड़ी में रखा है युवक मंडल ने, हाँ मंडल के अंतर्गत भेजा कि कैसे कल्पना है, क्यों रखा गया जी? एक तो हमारे श्री भरत भाई है हमारे कमेटी के, उसने प्रपोजल रखी तो उसके बारे में हम लोग ने कमेटी में विचार किया कि ये रक्तदान शिविर रखे बहुत ही उपयोगी है। एक तो कोरोना महामारी के वजह से हम लोग सुन रहे थे कि ब्लड देश में कम है, तो वो हिसाब से हम लोग ने सब सोचा कि ये रखे बहुत काम की चीज़ है, तो हमारे से जो सेवा होती है ये हिसाब से तो हम लोग ने ये शिविर रख दी। तक कैसा रिस्पांस आया है? रिस्पांस तो अच्छा है। हम लोग ने रजिस्टर किया था, लेकिन रजिस्टर के अलावा भी बहुत से हमारे समाज के बहुत से लोग आए और ब्लड दे के गए। देखिए, इसमें 22 साल से लेके 57 साल तक ज़्यादा करके 22 से 35 वाले ज़्यादा आए भाई। और अब तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेशन किया? अब तक 42 के कुछ हो गए, और उम्मीद है कि और 30-35 और हो जाएगा। कितना टारगेट है आपका? टारगेट तो हमारा एक्चुअली 60 का था, तो अभी तक 40 हुआ है, और हम लोग फ़ोन कर रहे हैं और उम्मीद हो है कि वो 60 का आंकड़ा पार हो जाएगा। किस ब्लड ग्रुप से आपने सहयोग किया है? ब्लड ग्रुप कंपनी कौन सी थी? ये मीनाताई मीनाताई ठाकरे ब्लड बैंक से हम लोग ने संपर्क किया था। सर, ये रक्तदान शिविर का आयोजन का प्रपोजल भरत भाई मित्री हमारे कमेटी के मेंबर है उससे लाया था, और हम लोग ने सोचा कि ये बहुत नेक और इंसान अच्छा काम है जहाँ पे ब्लड बैंक की बहुत ज़रूरत है, तो उसी वजह हम लोग ने कमेटी में निश्चित किया कि ये ब्लड बैंक का आयोजन किया जाए, तो हम लोग ने सोचा और उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी का आगे का काम जो है वो रक्त मीनाथाई रक्त रक्त बैंक जो है ब्लड बैंक उसके साथ में टाइप करने का और उसके साथ में कोऑर्डिनेट करने का काम भरत भाई मिट्टी ने किया है। कैसा रिस्पॉन्स है आज का? रिस्पॉन्स अच्छा है। हम लोग ने टारगेट रखा था, जो आप एडवांस में जो रजिस्ट्रेशन आया था उससे तो कहीं अच्छा हो गया है, और आगे अभी भी 1-2 घंटा बाकी है तो हो जाएगा, टारगेट से कहीं अच्छा हो जाएगा। सही, मंडल और क्या क्या काम करता है लोगों के लिए? सर, मंडल हम लोग के मंडल जो है हमारे समाज के जो बच्चे लोग हैं उनको पुस्तकें देती है, नोटबुक देती है, और साथ साथ में जब ये एनुअल उसके और भी अलावा के वाड़ी जो है वो समाज के कई लोगों के काम आए इसके लिए वाड़ी भी देती है कुछ कुछ फ्री में या कंसेशन में, और साथ साथ में एनुअल फंक्शन करके बच्चे लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए उनको जो जो अच्छे मार्क रिसीव करते हैं, अच्छे जो गुणांक प्राप्त करते हैं उसको इनाम भी देती है, और भी कई प्रोग्राम जो है अगर अच्छे करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धार्थ कांबले है,
और मैं मीनाताई ठाकरे ब्लड बैंक गोरेगांव है तो वहाँ से आया है। और ये हम लोग का कैंप बहुत सालों से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कार्यक्रम रहता है। ब्लड डोनेशन कैंप हर टाइम रखना चाहिए। अभी जो कोविड का क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं उसकी वजह से ब्लड का जितना शॉर्टेज हो रहा है, कोई भी ब्लड देने के लिए आ रहे नहीं है। तो अभी इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो सबसे बड़ा महान दान बोलते हैं इसको। ब्लड डोनेशन कैंप में सभी को जो 18 वर्ष के ऊपर के आयु के और 60 के नीचे के, उन्होंने जो भी हेल्दी है और जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा है, उन्होंने डोनेशन करना चाहिए और इस महान काम में सबने योगदान करना चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप सभी जगह पे छोटे छोटे कैंप करने की वजह से सबको ब्लड अगर ज़रूरत है तो मिल जाएगा। जी मैं आपके यहाँ पर नंबर लेकर रिस्पॉन्स कैसा आज का? आज का रिस्पॉन्स अच्छा है, सब युवक और सभी लोग बड़े चाव से यहाँ पे आ रहे हैं और अच्छा योगदान मिला हमको। सर ये ब्लड जो डोनेट करते हैं डोनर को क्या बेनिफिट रहता है? ब्लड डोनेशन करने की वजह से जिनको ब्लड प्रेशर का तकरार होने वाला है वो कम हो जाता है। और सबसे बड़ा है कि मैंने किसी और का जान बचा है, ये सबसे बड़ा चीज़ हम लोग को उसकी वजह से अच्छा ही मिलता है। और सेकंड, कभी उनको ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने ब्लड दिया है तो कभी भी भविष्य में उनको ब्लड का अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ब्लड जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उस वजह से उनको एक साल के लिए ब्लड मुफ्त में मिलता है। अभी रिजेक्शन क्या है कि फीमेल्स लोगों में हीमोग्लोबिन कम रहता है क्योंकि उनका डाइट और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी वजह से उनको थोड़ा हीमोग्लोबिन कम रहता है। और कोई कोई लोगों का मेडिसिन चालू रहता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनके वजह से रिजेक्शन होता है। पर काफ़ी लोगों का ब्लड डोनेशन हुआ है, बहुत कम लोगों का रिजेक्शन हुआ है फीमेल लोगों का ही। सर काफ़ी लोगों को ये कैंप रखना चाहते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट कैसे करें? ये अपना ब्लड बैंक का नंबर है, अनुराधा करके है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, अजय करके वो कोऑर्डिनेट करता है, मैं सिद्धार्थ खुद कोऑर्डिनेट करता है। ब्लड कैंप रखना है तो अपना ब्लड बैंक में आप कॉल करेंगे तो ब्लड कैंप रखा जाता है। और जब भी ब्लड डोनेशन कैंप रखना है तो ये याद रखें कि ना एक ही टाइम हर कैंप नहीं रखना चाहिए, हर एक हफ्ते में रखना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से है ना बहुत बड़ा केओस ना हो। ये ब्लड जो है वो 30 दिन का ही उसका 30 या 35 दिन का ही उसका डेट रहता है, उसके बाद वो एक्सपायरी होता है। इसके लिए ना हड़बड़ी में सभी ने एक ही टाइम ब्लड डोनेशन कैंप रखने से अच्छा एक हफ्ते में या 15 दिन में गैप रख के करना चाहिए, उसकी वजह से ज़रूरतमंद को ब्लड जो भी ब्लड है वो प्रॉपरली मिल पाएगा। इसके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है और होना ही चाहिए, ब्लड देते हैं तो बेटर है बॉडी के लिए। और जो भी हम लोग काम करते हैं इससे अपने को क्या है, हेल्थ भी अच्छा रहता है। आप ब्लड देते तो कुछ आपको वीकनेस नहीं होता है तो ये आपका वन डे में क्लियर हो जाता है ब्लड, थोड़ा बेटर है वो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है शरीर में और इससे हम लोग हेल्पफुल बन रहे वो बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए। रीज़न ये है कि हमारा ब्लड कहीं पर भी फैक्ट्री में बनता नहीं है और आज हमारे देश में क्या प्रॉब्लम चल रही है ये सबको पता है और ब्लड की काफ़ी सारी लोगों को ज़रूरत है। अगर हम लोग इसी तरह से जागरूक होके ब्लड डोनेट करते हैं तो लोगों को काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आज यही सब हम लोग ने सोच के यहाँ पर आए हैं और हमसे जितना भी हो सका है हम लोगों ने थोड़ा सा ब्लड डोनेट करके लोगों के योगदान में मदद की है।